हेलो स्टूडेंट, आई एम योर इंग्लिश टीचर रानी दुबे. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. दिस इज योर टेक्स्ट बुक. ओपन योर टेक्स्ट बुक. टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1. नेम इज वन थिंग एट अ वन टाइम. वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले. दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे. जब तुम काम कर रहे हो तो आपको काम करना चाहिए, जब तुम खेलो तो खेलो, सिर्फ खेलना चाहिए. जब हम खेल रहे होते हैं तो हमको सिर्फ खेलना चाहिए, और जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ हमको वो काम अच्छी तरह से करना चाहिए. इस तरीके से तुम खुश रह सकते हो. खुश रहने का तरीका क्या है कि जब हम खेल रहे होते हैं तो पूरा मन लगा करके हमको खेलना चाहिए, और जब कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें पूरा मन लगा करके वो काम करना चाहिए. इसलिए वो काम भी अच्छा होता है और हम अच्छी तरह से खेल भी सकते हैं, और इस तरीके से हम बहुत खुश रह सकते हैं. वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल रूल्स एज मैनी कैन टेल. एक बार में एक ही काम करना चाहिए एक समय पर, और वो काम कैसा होना चाहिए, वो अच्छी तरह से होना चाहिए. तो एक बार में एक चीज़ समय पर और अच्छे से हो, यह सबसे अच्छा नियम है, जैसा सभी कहते हैं. इसीलिए सभी लोग क्या कहते हैं कि हमको एक बार में एक काम ही करना चाहिए. उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दूध गर्म कर रहे हैं, और यदि हम कुछ देखने बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है, नुकसान हो जाता है, वो दूध गर्म होकर के और गैस पे फैल जाएगा, तो हमारा काम बिगड़ेगा ना. एक टाइम पे दो काम कर रहे हैं, एक बाहर भी देख रहे हैं क्या हो रहा है आवाज़ सुन के, और दूध को छोड़ दिया, दूध उधर कर रहे हैं गर्म. इसलिए हमको पूरा मन लगा के या फिर गैस बंद करके आना चाहिए बाहर देखने के लिए. तो इस तरह से समझ में आया, एक काम को सिर्फ एक बार ही करना चाहिए. अब वोकैबुलरी. वर्क, WORK, वर्क. वर्क मीन्स कार्य. PLAY, प्ले. प्ले मीन्स खेलना. WHILE, वाइल. वाइल मीन्स जबकि या जब. वे, WAY, वे. वे माना ढंग, तरीका या रास्ता. हैप्पी, हैप्पी मीन्स प्रसन्न या खुश. HAPPY, हैप्पी. हैप्पी मीन्स खुश. GAY, गे. गे माने प्रफुल्ल या खुश. दोनों के ही मायने एक जैसे होते हैं, गे बोलो या हैप्पी. अधिक प्रसन्न होने के लिए प्रफुल्ल गे. THING, थिंग. थिंग मीन्स चीज, वस्तु कोई. THING, थिंग. थिंग मीन्स कोई चीज़ या वस्तु. एट अ टाइम यानी कि एक समय पर. ATATIME, टाइम. एट ए टाइम. डॉन, डन. DONE, डन. डन माने किया हुआ. WELL, वेल. वेल माने अच्छी तरह. WELL, वेल. रिपीट, वेल मीन्स अच्छी तरह. BEST, वेस्ट. वेस्ट मीन्स सर्वश्रेष्ठ. RULES, रूल्स. रूल्स मीन्स नियम. MANY, मैनी. मैनी माने कई, अनेक. TELL, टेल. टेल माने कहना. टर्न द पेज. ग्रो विथ ग्रामर. अपोजिट वर्ड्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द या उल्टे शब्द. जैसे DAY, डे. डे मीन्स क्या होता है, दिन. इसका विपरीत यानी कि उल्टा क्या होगा, NIGHT, नाइट. नाइट मीन्स रात. BEST, वेस्ट. वेस्ट माने अच्छा, और इसका उल्टा या विपरीत क्या होगा, वर्स्ट, सबसे खराब. WORST, वर्स्ट. HAPPY, हैप्पी. हैप्पी का मतलब होता है खुश.
और इसका विपरीत एस ए डी सैड, सैड मीन्स दुखी। इसी तरह से लास्ट एस एल डबल ई पी स्लीप, स्लीप माने सोना और इसका अपोजिट ए डब्ल्यू ए के ई अवेक, अवेक माने जागना। नेक्स्ट इधर भी है, इधर अभी ये चल रहा है, क्या बोलते हैं अपोजिट जी डबल ओ डी गुड, गुड का मतलब अच्छा और इसका उल्टा बी ए डी बैड, बैड मीन्स बुरा। इसी तरह से ई वी ई एन आई एन जी इवनिंग, इवनिंग माने शामकाल एंड एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग, मॉर्निंग माने प्रातःकाल। पी एल ए वाई प्ले, प्ले माने खेलना और डब्ल्यू ओ आर के वर्क, वर्क मीन्स कार्य करना। एस एल डबल ई पी स्लीप, स्लीप माने सोना और ए डब्ल्यू ए के ई अवेक माने जागना। नेक्स्ट हैं नंबर्स यानी कि वचन, एक वचन और बहुवचन जैसे होते हैं हिंदी में, इस तरह से इसमें भी नंबर्स हैं। तो बुक, बुक मीन्स पुस्तक और जब बहुत सारी किताबों के लिए बोलेंगे हम तो क्या होंगे पुस्तकें यानी कि बुक्स, इसमें क्या लग जाएगा एस बी डबल ओ के एस बुक्स, बुक्स माने पुस्तकें। इसी तरह से थिंग, थिंग माने एक चीज टी एच आई एन जी, थिंग, थिंग माने एक चीज, इसमें एस और लग जाएगा तो टी एच आई एन जी एस थिंग्स, थिंग्स मीन्स अनेक चीज़ें। डब्ल्यू ए वाई वे माने तरीका और डब्ल्यू ए वाई एस लग जाएगा तो वेज माने तरीके, कई तरीके। ओ एनी वन, वन माने एक, एक का अब बहुवचन क्या होगा कोई एक चीज़ और उसकी बहुत सारी चीज़ें अनेक चीज़ें तो उसका हो जाएगा मैनी, वन का मैनी, यहाँ पर एस वगैरह नहीं लगेगा। ओ एनी वन, वन माने एक तो इसका हो जाएगा मैनी, मैनी माने अनेक, एम ए एन वाई मैनी। बी ए डबल एल बॉल, बॉल का वॉल्स, बी ए डबल एल एस बॉल्स यानी कि गेंदें। आर यू एल ई रूल, रूल मीन्स नियम और रूल्स माने नियमों, बहुत सारे नियम होते हैं उसके लिए आर यू एल ई एस लग जाएगा। एक्सरसाइज आंसर द क्वेश्चन ओरली, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो तो आई गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग एट एट ओ क्लॉक, यदि सुबह जाते हैं तो हम ये बोलेंगे और यदि दोपहर के टाइम जाते हैं तो टाइम की जगह क्या बोलेंगे एट ट्वेल्व ओ क्लॉक। आई गो टू स्कूल डेली इन द एट ट्वेल्व ओ क्लॉक, नून एट ट्वेल्व ओ क्लॉक। सेकेंड डू यू प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, नो आई डोंट प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड। थर्ड व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हो, वी प्ले इन द मॉर्निंग, मैं शाम को खेलता हूँ। तो व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, फिर अपना होमवर्क कब करते हो, आंसर इज बिफोर प्लेइंग आई डू माई होमवर्क, खेलने से पहले मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ। नंबर फाइव इज़ इट यूजफुल टू वर्क एंड प्ले ऑन टाइम, क्या समय पर खेलना और पढ़ना उपयोगी होता है, तो यस इट इज़ वेरी यूजफुल टू वर्क एंड प्ले ऑन टाइम। बी टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट शुड वी डू व्हाइल वर्किंग, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, देयर आर थ्री ऑप्शंस, वन वर्क, सेकंड प्ले एंड थर्ड नॉइज। तो हम क्या करते हैं काम करते वक्त हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ काम करना चाहिए, इसलिए हम वर्क पर राइट का निशान लगा देंगे। प्ले का मतलब होता है खेलना, काम करते समय खेलना चाहिए क्या नहीं खेलना चाहिए, या नॉइज माना शोर मचाना, काम करते वक्त शोर मचाएंगे तो कैसे चलेगा। नंबर सेकंड हाउ मैनी वर्क कैन वी डन एट ए टाइम, हम एक समय में कितने काम कर सकते हैं, तो वन टू एंड थ्री ऑप्शन दिए हुए हैं मैनी,
तो हमको एक टाइम में बहुत सारे काम करना चाहिए, ना दो काम करने चाहिए, हमको एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए। सो वी चूज वन। एंड थर्ड, वन वर्क एट वन टाइम इज द, एक काम एक टाइम पर करना क्या होता है? थ्री ऑप्शंस आर गिवन, वेड रूल, सेकंड वेस्ट रूल और थर्ड वर्स्ट रूल। तो यही बेस्ट रूल होता है कि हम एक समय पर एक काम करें, इसलिए बी चूज वेस्ट रूल। बेड रूल नहीं होता है, ये ख़राब नहीं होता है। दूसरा, तीसरा क्या दिया है? वर्स्ट, यानी कि सबसे ख़राब नियम है, ऐसा नहीं है, ये सबसे अच्छा नियम है, इसलिए हम वेस्ट रूल चूज करके और उसमें फिल करेंगे। इसके बाद में पॉइंट सी, कम टू द पॉइंट सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवेन बिलो। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, मैनी, हैप्पी, वाइल एंड डन, इनमें से हमको छांट करके इसमें भरना है, चूज करके और इसमें फिल करना है। नंबर वन वर्क, इसमें हम फिल करेंगे डब्ल्यू एच आई एल ई, वाइल यू वर्क, हमें काम करना चाहिए जब हम काम कर रहे हों। नेक्स्ट वन टू वी ब्लैंक स्पेस एंड गे, इसमें भरेंगे हम हैप्पी, टू बी हैप्पी एंड गे, तो हम कैसे हो जाएंगे? खुश और प्रफुल्ल रहेंगे या हो सकते हैं, होंगे। नेक्स्ट वन थिंग्स ब्लैंक स्पेस बाय हाफ्स, किया गया जो कार्य है डन, आधा किया गया कार्य। नंबर फोर एज एम ए एन वाई मैनी कैन टेल, इसमें हमने चूज किया क्या लास्ट वाले में, मैनी कैन टेल, ऐसा सभी लोग कहते हैं। नेक्स्ट पेज, कम टू द पॉइंट डी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। नंबर वन थिंग्स डन बाय हाब्स आर ऑलवेज डन राइटली, कोई भी जो कार्य होता है, सारे काम जो आधे किए जाते हैं वो ठीक होता है, हमेशा ठीक होता है, तो दिस इज फॉल्स। नंबर सेकेंड वाइल यू आर वर्किंग यू शुड नॉट प्ले, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको नहीं खेलना चाहिए, दिस इज ट्रू, इसमें हम टी लिखेंगे। नंबर थर्ड यू शुड डू एवरी वर्क विद ऑल माइट, दिस इज ट्रू। हमें जो भी काम कर रहे होते हैं उसको पूरी तरह से करना चाहिए, पूरी शक्ति से या पूरे मन से करना चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट, नहीं, कम टू द पॉइंट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हेन आर द थिंग्स डन रॉन्ग, चीज़ें गलत कब हो जाती हैं? तो आंसर इज द थिंग्स आर डन रॉन्ग व्हेन वी डू नॉट डू एन थिंग ऑन थिंग एट वन टाइम। ये क्वेश्चन आंसर बाद में दिए हुए हैं। हाउ कैन अ थिंग बी डन वेल, हम कोई भी काम अच्छे से कैसे कर सकते हैं? आंसर इज इफ वी विल डूइंग एवरी वर्क विद ऑल माइट, जब हम कोई भी काम पूरी शक्ति से करते हैं तो वो अच्छा होता है, पूरी तरह मन से लगा करके करते हैं तो काम अच्छा हो जाता है। नंबर थ्री इज व्हेन शुड यू नॉट प्ले, आपको कब नहीं खेलना चाहिए? व्हाइल वी आर वर्किंग वी शुड नॉट प्ले, जब हम काम कर रहे हों तो हमें नहीं खेलना चाहिए। व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी, खुश रहने का कौन सा रास्ता है? आंसर इज वर्क व्हाइल यू वर्क एंड प्ले व्हाइल यू प्ले इज द वे टू बी हैप्पी, जब आप काम कर रहे हैं तो आपको काम करना चाहिए और जब आप खेल रहे हैं तो आपको खेलना चाहिए, यही खुश रहने का रास्ता है। नंबर फाइव व्हाट मोरल डू यू लर्न फ्रॉम द
चैप्टर, आपने इस चैप्टर से क्या सीखा? आंसर इज वी शुड ऑलवेज डू वन वर्क एट वन टाइम एंड दैट डन वेल। हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए और वो पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि अपोजिट वर्ड। वर्क, वर्क का क्या हो जाएगा? प्ले, पी एल ए वाई, प्ले। वर्क का विलोम शब्द प्ले, यानी कि अपोजिट वर्ड प्ले हो जाएगा। सेकंड, डी ए वाई, डे। डे का अपोजिट वर्ड हो जाएगा एन आई जी एच टी, एन आई जी एच टी, नाइट। डे माने दिन और नाइट मीन्स रात। इसी तरह से एस ए डी, सैड। सैड माने दुखी और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुशी, खुश। एच ए डबल पी वाई, हैप्पी। फोर, मॉर्निंग। मॉर्निंग माने सुबह, इसका अपोजिट हो जाएगा इवनिंग। ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग। नंबर फाइव, वर्स्ट। वर्स्ट माने क्या होता है? बुरा, सबसे बुरा। इसका अपोजिट हो जाएगा बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा, बी ई एस टी, बेस्ट। नंबर सिक्स, गुड। गुड मीन्स अच्छा, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा बी ए डी, बैड। बैड मीन्स बुरा। निम्नलिखित शब्दों के वचन, यानी कि प्लूरल नंबर लिखना है। प्लूरल का मतलब बहुवचन, जैसे कोई एक चीज़ होती है उसकी फिर अनेक चीज़ें होती हैं, वो हमारे वचन। तो ये वे, डब्ल्यू ए वाई, वे, वे माने रास्ता, और डब्ल्यू ए वाई एस, वेज माने रास्ते या ढंग, तरीका, कई तरीके, कई ढंग, कई रास्ते। सेकंड, ओ एनी वन, वन मीन्स एक होता है, इसके बहुवचन क्या हो जाएगा या प्लूरल नंबर क्या हो जाएंगे? मैनी, एम ए एन वाई, मैनी। नंबर थ्री, थिंग। थिंग माने कोई वस्तु या चीज, इसमें हम एस लगा देंगे, थिंग्स माने कई वस्तुएं, कई चीज़ें, ये हो जाएगा। नंबर फोर, बुक। बुक मीन्स किताब, और बुक्स उसमें एस लगा देंगे तो बहुत सारी किताबें, बुक्स हो जाएगा, बी डबल ओ के एस, बुक्स। नंबर फाइव, रूल। रूल मीन्स नियम, आर यू एल ई, रूल। इसमें हम एस लगा देंगे तो रूल्स हो जाएगा, आर यू एल ई एस, कई नियम या बहुत सारे नियम। नंबर सिक्स, बॉल। बॉल मीन्स गेंद, बी ए डबल एल, बॉल। इसमें हम एस लगा देंगे तो बहुत सारी गेंद हो जाएंगी, बी ए डबल एल एस, बॉल्स। कम टू द पॉइंट सी, फिल इन द मिसिंग लेटर्स, यानी कि छूटे अक्षर भरिए। इसमें कोई अक्षर छोड़ दिए गए हैं, उनको हमें फिल करके और भरना है। नंबर ए, डब्लू ब्लैंक स्पेस आर के, इसमें हम भर देंगे ओ या फिल कर देंगे ओ, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ओ आर के, वर्क। सेकंड वन, टी एच ब्लैंक स्पेस एन जी, इसमें हम फिल करेंगे आई, तो बन जाएगी ये थिंग। थिंग मीन्स वस्तु। नेक्स्ट वन, पी एल ब्लैंक स्पेस एंड वाई, इसमें ए भर देंगे हम, ए फिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? पी एल ए वाई, प्ले। प्ले मीन्स खेलना। सेम वे, नंबर फोर, बी ब्लैंक स्पेस एस टी, फिल कर देंगे ई, बेस्ट हो जाएगा, सबसे अच्छा, बी ई एस टी, वेस्ट। नेक्स्ट वन, एच ए पी ब्लैंक स्पेस वाई, हम फिल कर देंगे उसमें पी, क्या हो जाएगा? हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश। लास्ट वन, एम ब्लैंक स्पेस एन वाई, इसमें फिल कर देंगे ए, तो क्या हो जाएगा? एम ए एन वाई, मैनी। मैनी माने बहुत से। दैट्स ऑल, आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर हमने आपको बोल ही दिए थे, ऊपर क्वेश्चन आए थे, ये आपको देख करके उसमें से लिख लेना है।
क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो लास्ट में, ये पूरे आपको लिखना है देख देख करके। When are the things done wrong? The things are done wrong when we do not do one thing at one time. How can a thing be done well? We will doing every work with all might. When should you not play? While we are working, we should not play. What is the way to be happy? The answer is work while you work and play while you play is the way to be happy. Question 5. What moral do you learn from the chapter? Answer is we should always do one work at one time and that done well. Chapter is finished. I hope आपको अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसको आप लर्न करते रहें और बार बार पढ़ें, आपको सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू।